हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जानकारी वाली वीडियो में। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं 19490 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों नाम से आपको पता लग गया होगा, ये ट्रेन गोरखपुर से चलती है और अहमदाबाद को जाती है। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन से जिसका स्टेशन कोड है GKP और गुजरात के अहमदाबाद के बीच में चलती है जिसका स्टेशन कोड है ADI। दोस्तों इस ट्रेन को शुरू किया गया था मंगलवार 2 मार्च 2021 को। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। जो जानकारी आपको नहीं पता है वो जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे इस ट्रेन के बारे में। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ट्रेन हफ्ते के 6 दिन चलती है, मंगलवार को छोड़कर ये ट्रेन हफ्ते के सभी दिन चलती है गोरखपुर से अहमदाबाद के बीच में। आइए इस ट्रेन के रूट मैप के बारे में आपको बता देते हैं, ये ट्रेन कौन से रूट से होकर गुजरती है। दोस्तों ये ट्रेन गोरखपुर से मऊ जंक्शन, वाराणसी, प्रयागराज, छिंदवाड़ा, सतना, कटनी, मुरवारा, बीना जंक्शन, उज्जैन, रतलाम, आनंद जंक्शन होते हुए ये ट्रेन अहमदाबाद पहुंचती है। दोस्तों गोरखपुर से अहमदाबाद के बीच की जो दूरी है 1685 किलोमीटर की, इस दूरी को ये ट्रेन 30 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 19 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए अहमदाबाद जंक्शन पहुंचती है। इस दौरान ट्रेन की एवरेज स्पीड जो रहती है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है, जो कि वाराणसी जंक्शन से प्रयागराज छिंदवाड़ा के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रहती है। दोस्तों ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे वेस्टर्न रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के तत्काल अवेलेबल मिल जाते हैं, तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों की सुविधा आपको इस ट्रेन में मिलती है। कैटरिंग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें, दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन आप चाहें तो ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से काफी बढ़िया कोचेस माने जाते हैं, जिसमें सेकंड सीटिंग का 5 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 8 कोच रहता है, थर्ड AC का 6 कोच रहता है, सेकंड AC का 2 कोच रहता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में। दोस्तों इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान गोरखपुर से अहमदाबाद तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP-7 रहता है, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। और दोस्तों इस ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है वाराणसी जंक्शन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। दोस्तों जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो किराया इंडियन रेलवे द्वारा अपडेट किया गया किराया है और ये किराया गोरखपुर से अहमदाबाद जंक्शन तक का पूरा किराया होने वाला है। सेकंड सीटिंग के बारे में बात करते हैं, इसका बेस फेयर रहता है 395 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपए, इन सबको ऐड करके सेकंड सीटिंग का टोटल किराया हो जाता है 410 रुपए। दोस्तों क्योंकि ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है तो इसमें सुपर फास्ट चार्ज ऐड नहीं किया जाता। स्लीपर क्लास का बेस फेयर रहता है 645 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपए, इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 665 रुपए। थर्ड AC का बेस फेयर रहता है 1650 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए, GST 85 रुपए, इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 1775 रुपए। सेकंड AC का बेस फेयर रहता है 2402 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपए, GST 123 रुपए, इन सबको ऐड करके सेकंड AC का टोटल किराया हो जाता है 2575 रुपए। दोस्तों ये सब जो किराया मैंने आपको बताया ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है। आप चाहे तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर सकते हैं जब आपको यात्रा करनी हो, क्योंकि इंडियन रेलवे अपने किराए में लगातार बदलाव करता रहता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से रवाना होने के कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आकर लग जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 6 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है रात के 9:30 का। दोस्तों टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया है आगे, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो स्टेशन पर एक बार से जरूर चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, क्योंकि कभी कभी बताया गया प्लेटफॉर्म अगर खाली नहीं रहता तो ट्रेन को किसी और प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाता है, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ट्रेन का पहला स्टॉप है देवरिया सदर, यहाँ पर ट्रेन रात के 10:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 10:30 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है मऊ जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 11:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 11:55 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तीसरा स्टॉप है वाराणसी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 2 बजे पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 2:30 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 30 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है। चौथा स्टॉप है प्रयागराज छिंदवाड़ा जंक्शन, यहाँ पर सुबह के 5:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 5:27 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है सतना जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 8:20 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। छठवा स्टॉप है महर, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:48 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 8:50 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सातवा स्टॉप है कटनी मुरवारा, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10 बजे पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 10:10 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। आठवा स्टॉप है दमोह, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 11:38 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 11:40 पर ऐसे रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है सागर स्टेशन,
हैं पटना दोपहर के 12:45 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 12:50 ऐसे रवाना होते हैं पटना का 5 मिनट का हॉल्ट है। 10वां स्टॉप है बीना जंक्शन है पटना दोपहर के 2:45 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 2:55 ऐसे रवाना होती है पटना का 10 मिनट का हॉल्ट है। 11वां स्टॉप है विदिशा यहाँ पटना दोपहर के 3:48 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 3:50 ऐसे रवाना होती है पटना का 2 मिनट का हॉल्ट है। 12वां स्टॉप है संत हृदय रामनगर यहाँ पटना शाम के 5:10 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 5:15 ऐसे रवाना होते हैं पटना का 5 मिनट का हॉल्ट है। 13वां स्टॉप है उज्जैन जंक्शन यहाँ पटना शाम के 7:55 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 8 बजे यहाँ से रवाना होते हैं पटना का 5 मिनट का हॉल्ट है। 14वां स्टॉप है नागदा जंक्शन यहाँ पटना रात के 8:58 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 9 बजे यहाँ से रवाना होते हैं पटना का 2 मिनट का हॉल्ट है। 15वां स्टॉप है रतलाम जंक्शन यहाँ पटना रात के 10:05 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 10:15 ऐसे रवाना होते हैं पटना का 10 मिनट का हॉल्ट है। 16वां स्टॉप है दाहोद यहाँ पटना रात के 11:37 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 11:39 ऐसे रवाना होते हैं पटना का 2 मिनट का हॉल्ट है। 17वां स्टॉप है छायापुरी यहाँ पटना रात के 1:50 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 2 बजे यहाँ से रवाना होते हैं पटना का 10 मिनट का हॉल्ट है। 18वां स्टॉप है आनंद जंक्शन यहाँ पटना रात के 2:41 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 2:43 ऐसे रवाना होते हैं पटना का 2 मिनट का हॉल्ट है। 19वां स्टॉप पर ट्रेन का डेस्टिनेशन है अहमदाबाद जंक्शन यहाँ पटना आपको सुबह के 4:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचा देती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।